एक कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था हिस्ट्री कांग्रेस के नाम से, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान चूँकि हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के, और उसके बाद उनका एक अच्छा मामला रहा है पॉलिटिक्स में, वो वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, और इरफान हबीब साहब, सैयद नदीम रिजवी साहब हमारे डिपार्टमेंट के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी मौजूद थे, वो NRC पे और CA पे जो है फेवर में बात कर रहे थे सरकार की। इरफान हबीब साहब ने उनको रोकने की कोशिश किया, उन लोगों ने डिनाई किया कि यह गलत है, क्योंकि देखिए वो हिस्टोरियन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर हिस्टोरियन, उनको बहुत अच्छे से मालूम है, हम लोग के लिए बहुत प्राउड आदमी हैं, बहुत AMU के लिए हीरा हैं, उन्होंने जिस तरह रोका, हम स्टूडेंट अभी वापस आने पर हम लोग कोशिश है कि उनको बुलाया जाएगा और उनको एक ऑनर के तौर पर हम कहेंगे कि सर हमारे बीच में अपनी बात रखें, हमें बताएं कैसे हमें आगे करना है। ऐसे लोगों की हमें सख्त हमेशा ज़रूरत रही है, और हमेशा हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि इरफान हबीब साहब जैसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनके लंबी उम्र की दुआ भी करते हैं कि ऐसे लोग जो डिसेंट तरीके से उन्होंने जाकर के अपोज़ किया आरिफ मोहम्मद खान का, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह हालात पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं उस पर जिस तरह वो फेवर में बात कर रहे थे कि ये गलती मुसलमानों की है, ये गलती ऐसे है वैसा है, लेकिन कभी भी वो इतने पढ़े लिखे आदमी होकर के वो चीज़ नहीं बता रहे थे जो इससे नुकसान थे, वो उसको इरफान हबीब साहब ने और सैयद नजीम अली रिजवी साहब ने बाकायदा रोका। हम मुबारकबाद देते हैं उनको अपनी तरफ से, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उनको ला करके हम अपने बीच में खड़ा करके एक दिन प्रोग्राम करवाएंगे उनका। देखिए, मैं कुंवर मोहम्मद अहमद, स्टूडेंट लीडर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे स्कॉलर हूँ। इरफान हबीब साहब के लिए मैं दो अल्फाज कहूँगा कि मैं आतिश सौजा में भी हक बात कहूँगा, मैं ज़िंदा था, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगा। देखिए, केरल के जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्होंने जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठकर, गवर्नर के पद पर बैठकर, वो बिल्कुल इस तरह से काम कर रहे हैं और इस तरह से अपनी स्पीचें और अपने प्रोग्रामों में बोल रहे हैं जैसे वो BJP के एजेंट हों, BJP के कार्यकर्ता हों, जो हिंदुस्तान के संविधान के, बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान की जो है वो धज्जियाँ उड़ाता है, और संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरह की बयानबाजी करना कि बापू के कातिल को, गॉडसे को आप उससे तोल रहे हैं जिसे मौलाना आज़ाद कहते हैं, उससे उसकी बराबरी कर रहे हैं जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शक्ल दी, जिन्होंने हिंदुस्तान को सेकुलर हिंदुस्तान दिया, जिन्होंने दुनिया के पैमाने पर ये दिखाया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और आपने गॉड से उनकी बराबरी कर दी। आपने कह दिया मैं नेहरू को कोट करता हूँ, मौलाना को कोट करता हूँ तो आपको परेशानी होती है, और मैं गॉड से कोट करता हूँ तो आपको परेशानी होती है। आप जानते हैं गॉड से एक कातिल है, उसके बावजूद आप, और वो उसका कातिल है जिसे फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसके बावजूद आप उनकी तुलना उनसे कर रहे हैं, जबकि आप ही के पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, जब उनका देहांत हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उनका खुद का कोड है कि आज हिंदुस्तान का, आज भारत माता का सबसे प्रिय बेटा जो है वो चला गया। उस प्रिय बेटे की तुलना आप ऐसे गंदे बेटे से करना चाहते हैं जिस पर भारत माता शर्मिंदा है, जिसने बापू का, अहिंसा के पुजारी का, जिसे हिंदुस्तान, जो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते दुनिया में वो लोग बापू को जानते हैं, और ऐसे महापुरुष के कातिल को आप उन लोगों से मिलाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो उसमें मौलाना आज़ाद का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर भारत भारत है तो मौलाना आज़ाद और नेहरू का एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा योगदान है उसके लिए। देखिए, नफ़रतों की राजनीति है, नफ़रतों ने जोर पकड़ा है, जो आज़ादी से पहले का वक्त था वही BJP ने वक्त लाके खड़ा कर दिया।